स्टूडेंट वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9 का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 4 टाइप्स हम लोग पढ़ लिए थे। उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लैटेंट हीट। व्हाट इज लैटेंट हीट? लैटेंट मीन्स होता है हाइडन, हाइडन में छुपा हुआ, क्लियर? तो लैटेंट हीट मीन्स होता है कि मान लो किसी सब्सटेंस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। किसी भी सब्सटेंस को अगर मान लो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं और वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, क्लियर, इसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट मीन्स होता है छुपा हुआ, यानी हीट तो सप्लाई कर रहे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लैटेंट हीट हम लोग रोज हम लोग इसको देखते हैं। मान लो ना कि आइस मेल्ट कर रहा है। अभी हम एग्जांपल देके अभी इसको क्लियर करेंगे। पहले ये समझ लो कि लैटेंट हीट मीन्स बाहर से हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और हीट सप्लाई करने के बाद अगर वो सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट, क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखे, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। जो हम लोग हीट बाहर से सप्लाई किए और वो अपना जिस सब्सटेंस को दी वो सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज किया, डेट इज सॉलिड टू लिक्विड के फॉर्म में चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट, क्लियर। सो मैं तो यही हम लिखे, लैटेंट हीट विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट हीट, दैट इज हाइडन हीट, क्लियर। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये चीज याद रखना है कि लैटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, लैटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, क्लियर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करेगा, क्लियर। लैटेंट हीट में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता और टेम्परेचर जब इंक्रीज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करता है। जैसे मान लो तुम आइस ले लो और आइस को हम लोग क्या किए, बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी बाहर से हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसको किसी गैस स्टोव पे हम लोग ऑन कर दिए, आइस को चढ़ा दिए और थर्मोमीटर डाल करके मेजर करो, ठीक है, मेजर करो। बाहर से तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यू, और जैसे ही हम उस थर्मोमीटर को उस बीकर में डाले हुए हैं तो देखना थर्मोमीटर का जो निडल जो शो करेगा वो 0 डिग्री शो करेगा क्योंकि आइस है। अब हम लोग जैसे ही उसको गैस पे चढ़ा दिए तो वो बाहर से तो कंटिन्यू हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, अभी भी वो 0 डिग्री शो कर रहा है, यानी वो टेम्परेचर कहाँ गया, वो टेम्परेचर क्या किया, वो एब्जॉर्ब कर लिया, क्लियर। यानी वो हीट कहने का मतलब है वो हीट हाइडन हो गया, समझ में, इसी को हम लोग बोल रहे हैं लैटेंट हीट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, लैटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है और जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करेगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लैटेंट हीट, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, व्हाई लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, लैटेंट हीट टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों नहीं करता है, क्लियर। तो लैटेंट हीट टेम्परेचर को इंक्रीज इसलिए नहीं करता है, वो चीज क्लियर कर। मान लो कि तुम्हारा सब्सटेंस है कोई सॉलिड सब्सटेंस, बाहर से इसको हीट दे रहे, इसको हीट दे रहे, इसको हीट दे रहे, ये अपना अब ये स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट मान लो, ये इमेजिन कर लो कि अभी इमेजिन कर लो ये तुम्हारा सॉलिड पार्ट है, इसको हम बाहर से हीट दे रहे कंटिन्यू बाहर से हीट दे रहे, अब ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है लेकिन अभी अगर इसका टेम्परेचर मेजर किए तो मान लो कि इसका अगर टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, इसको हम लोग गैस ऑन करके इसको चढ़ा दिए, ऑन करने के बाद इसको बीकर में डाल करके उस पर ऑन कर दिए, टेम्परेचर बाहर से हम लोग इंक्रीज कर रहे और थर्मोमीटर इसके अंदर डाल के मेजर कर भी रहे, तो थर्मोमीटर अभी भी 36 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा है, तो बाहर से जो हीट दे रहा है वो हीट कहाँ जा रहा है, वो हीट जो है इसके बीच में जो इंटरमोलिक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्लियर। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, वो जो हीट दे रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तभी तो वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, क्लियर। तो अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है तो वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा, वो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, जो टेम्परेचर हम बाहर से हम लोग जो दे रहे हैं वो टेम्परेचर इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
को ब्रेक करने यानी उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चला जा रहा है। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, व्हाई लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, लैटेंट हीट टेम्परेचर को क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो यहां से यहां देखो, यहां पर द लैटेंट हीट विच वी सप्लाई, वही चीज हम लिख रहे हैं इसी का। अगर मान लो अगर इसका अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई लैटेंट हीट, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लैटेंट हीट विच वी सप्लाई, जो हम लोग बाहर से जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहां आ जा रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ओवरकमिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज देखो, देखिए ना, बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो बाहर से जो हीट दे रहे लैटेंट हीट, वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चला जा रहा है, और वो सॉलिड से किस में चला जा रहा है, लिक्विड के फॉर्म में चला जा रहा है। क्लियर? ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। समझ में? क्योंकि जब बाहर से लैटेंट हीट दे रहे हैं, तो ये सॉलिड पार्टिकल किस में जा रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स में जा रहा है। टेम्परेचर अभी चेंज नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो टेम्परेचर कहाँ वर्क कर रहा है, वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ रहता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को एक फोर्स से बांधा हुआ, डेट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो उसको ब्रेक करने के लिए, जैसे वो ब्रेक करेगा तभी तो वो अपने स्टेट चेंज करेगा। तो वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है और वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना, ये आंसर इसका लिख सकते हैं। अब ये फोर्स ऑफ लैटेंट हीट तुम्हारा टू टाइप्स का, लैटेंट हीट क्या है, टू टाइप्स का। पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तुमने क्या लिखी, लैटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पहला लिखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग LF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LF। ये तुम्हारा क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज मींस मेल्ट करना, मेल्ट कौन करेगा, सॉलिड से सॉलिड टू लिक्विड। समझ गए? तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्टेट जो है सॉलिड टू लिक्विड के फॉर्म में जाएगा, इसको हम लोग LF भी बोलते हैं। समझ गए? तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कोई भी चीज, लैटेंट हीट में समझ में आ गया। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ रहे हैं, समझ में, लैटेंट हीट, हाइडेंट हीट, जो हम हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट जो हीट दे रहा है वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेल्ट कर रहा है। समझ में आया? यानी सॉलिड टू लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका एग्जाम्पल ये समझ लो कि अगर मान लो कि एक बीकर में, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक आइस ले लो, आइस क्यूब ले लो, कुछ बड़ा ऐसा आइस क्यूब ले लो, उस आइस क्यूब को एक बीकर में डाल दो। क्लियर? एक बीकर में डाल दो, उसमें थर्मोमीटर डाल करके अभी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री दिखाएगा। समझ में? क्योंकि आइस का जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री है, आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है, वो थर्मोमीटर डालेंगे तो क्या दिखाएगा, 0 डिग्री दिखाएगा। अब उसके बाद क्या करो, उसको गैस स्टोव पर ऑन कर दो या गैस स्टोव पर उस बीकर को डाल दो। अभी थर्मोमीटर डालो, गैस को ऑन करो, गैस को जैसे ही ऑन करेंगे वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, वो आइस क्या हो रहा, मेल्ट कर रहा है। आइस तो मेल्ट करेगा, आइस मेल्ट करेगा धीमा धीमा, आइस क्या होगा, मेल्ट करेगा। उस थर्मोमीटर को उसके अंदर डाले हैं, जब गैस को ऑन नहीं किए थे अभी भी वो क्या शो कर रहा था, 0 डिग्री शो कर रहा था। अब हम लोग बाहर से हीट दे रहे हैं यानी गैस के थ्रू उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करे अभी भी वो आइस जो है, वो थर्मोमीटर जो है अभी भी 0 डिग्री शो कर रहा है। वो कब तक 0 डिग्री शो करेगा, वो तब तक 0 डिग्री शो करेगा जब तक आइस का छोटा पार्टिकल्स भी अगर उसमें होगा, आइस का छोटा क्यूब भी अगर उस बीकर में होगा, तब तक थर्मोमीटर 0 डिग्री शो करेगा। क्लियर? यहां से क्वेश्चन होगा थर्मोमीटर कब तक 0 डिग्री शो करेगा, तो थर्मोमीटर तब तक 0 डिग्री शो करेगा तब तक जब तक उस बीकर में छोटा पार्टिकल्स, छोटा क्यूब, अगर आइस क्यूब भी होगा उसमें, तब तक वो 0 डिग्री शो करेगा। अब जो हीट जो दे रहे हैं हम बाहर से, गैस के थ्रू जो हम हीट दे रहे हैं, वो टेम्परेचर तो दे रहे हैं, इंक्रीज तो कर रहे हैं, टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, वो स्टेट चेंज करने में जा रहा है, स्टेट चेंज करने में जा रहा है। समझ में? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? समझ में? फ्यूज आइस मेल्ट कर रहा, फ्यूज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पड़ रहे हैं।
यानी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन आइस क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। समझ में आया? इसका एक्सपेरिमेंट घर में भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो क्या लिखे हो, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सबसे, ये तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा दिए। अब दूसरी चीज समझना है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। एक केजी सॉलिड क्यूब, आइदर वो तुम्हारा आइस हो, आइदर वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है। एक केजी सॉलिड क्यूब को मेल्ट करने में जितना टेम्परेचर लगेगा, एक केजी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने में जितना टेम्परेचर लगेगा वही इसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्लियर? समझ में? एक केजी कोई भी सब्सटेंस, आइदर वो आइस हो या फिर अदर कोई भी सब्सटेंस हो, अगर एक केजी को मेल्ट करने में कितना हीट हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं वही इसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। हर एक सब्सटेंस का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग होता है। आइस का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग होता है, यानी किस कितना टेम्परेचर देंगे, कितना बाहर से हीट देंगे, कितना बाहर से एनर्जी देंगे कि एक केजी सॉलिड वो लिक्विड के फॉर्म में चला आएगा। क्लियर? तो हर एक सब्सटेंस का अपना अपना होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना अपना होता है। तो स्टेट चेंज करने में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हम लोग को बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर? समझ में? तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ते वो आसानी हो जाता है हम लोग के आइस के फॉर्म में पढ़ने में। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या लिखे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन जो हम लिखे है, द लैटेंट हीट, ये LF है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, कितना जूल एनर्जी लगेगा 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट होने में, लिक्विड कन्वर्ट टू लिक्विड में, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना जूल एनर्जी हम लोगों को बाहर से देना पड़ेगा वही इसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्लियर? समझे? और हर एक सब्सटेंस का अपना अपना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, हर एक का मेल्ट करने का टेम्परेचर अपना अपना होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना अपना रहता है। ठीक है, ये तो लिखे हम यहाँ पर, द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, किसमें लेना है ये चीज ध्यान रखना, जूल, क्योंकि एनर्जी का एक ये जो ऐसा यूनिट है जूल, इसलिए जूल में ही लेना। बहुत से लोग कैलोरी में ले लेते, कैलोरी में नहीं लेना, जूल में लेना। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना जूल एनर्जी, कितना कैलोरी एनर्जी नहीं, जूल एनर्जी, जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लैटेंट हीट, यहाँ लैटेंट हीट में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अब मान लो कि अगर वो सारा सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चला गया, अगर मान लो आइस को मेल्ट कर दिए और आइस सारा लिक्विड के फॉर्म में चला गया, अभी भी बाहर से हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो अभी भी वो क्या है, लिक्विड के ही फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अब जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तब तक हम लोग हीट सप्लाई करेंगे जब तक वो सारा सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चला आए और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करे। समझ में? ये नहीं कि वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया और फिर अगर टेम्परेचर अगर हम लोग दे रहे हैं वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएगा। समझ में? तो हम लोग वहां तक देना जब वो लिक्विड के फॉर्म में चला जाता है, वो उसी का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। समझ में? तो यहाँ हम लोग आइस का एक याद रखना कि आइस का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। 1 kg आइस को मेल्ट करने में, 1 kg आइस को पूरी तरह से मेल्ट करने में कितना हम लोगों को, कितना जूल एनर्जी बाहर से हम लोग को देना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, वो कितना हम लोग को देना पड़ता है, 3.34 × 10⁵ जूल पर सेकंड, सॉरी पर केजी, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी, यानी 1 kg आइस पूरी तरह से जब लिक्विड के फॉर्म में होगा वो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, 3.34 × 10⁵ जूल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? समझ में? अब यहाँ लिखे, अब ये चीज ध्यान रखना कि जीरो आइस भी है वो 0 डिग्री पर है। अभी जो आइस को मेल्ट जो कर रहे हैं, तो आइस को मेल्ट कर रहा है,
आइस को अगर 0 डिग्री पर अभी हम लिए थे, वो थर्मोमीटर डाल करके मेजर की, वो 0 डिग्री है, बाहर से हम टेम्परेचर दे रहे, इंक्रीज कर रहे, इंक्रीज कर रहे, सप्लाई कर रहे एनर्जी बाहर से, वो सारा तुम्हारा सॉलिड जो है, आइस जो है, लिक्विड के फॉर्म में चला गया। कब तक चला गया? जब तक एक छोटा सा भी आइस का एक पार्टिकल्स भी होगा ना, तब फिर भी वो 0 डिग्री शो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो पूरा सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में चला गया, तो ये 0 डिग्री पर एक आइस लिए हुए और एक 0 डिग्री पर वाटर है, 0 डिग्री पर वाटर है और 0 डिग्री पर आइस है। आइस जो है 0 डिग्री पर मेल्ट, आइस जो है 0 डिग्री पर फ्रीज होना शुरू होता है, आइस जो है वाटर जो है 0 डिग्री पर सॉलिड के फॉर्म में, यानी वाटर जो है 0 डिग्री पर आइस बनना स्टार्ट होता है। ये नहीं बोल सकते कि आइस जो है वाटर जो है 0 डिग्री पर आइस बन जाएगा, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 डिग्री पे वाटर जो है आइस बनना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, क्लियर। और आइस जो है वाटर जो है पूरी तरह से सॉलिड जब आइस बनता है, वो कितना टेम्परेचर लिया रखता है? -4 डिग्री लिया रखता है। समझ में? ये आगे पढ़ो, अभी ये चीज रखो, ध्यान रखो। 0 डिग्री पर एक आइस लिए हुए हैं, आइस जो है 0 डिग्री पर, और एक हम 0 डिग्री पर वाटर लिए हुए हैं। 0 डिग्री पर वाटर, जैसे ही आइस मेल्ट किया ना, तो पूरी तरह से वो लिक्विड जो बन गया, अभी भी लिक्विड का टेम्परेचर कितना दिखाएगा? वो 0 डिग्री दिखाएगा। जैसे ही सारा सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में, यानी आइस सब लिक्विड के फॉर्म बन गया, हम गैस को बंद कर दिया। जैसे ही बंद कर दी, ये वाटर भी क्या है 0 डिग्री पर है, और दूसरा आइस भी लिया, वो भी क्या है 0 डिग्री पर। एक हाथ में तुम आइस पकड़ लो जोर से, और एक हाथ वाटर में तुम 0 डिग्री पर जो वाटर है उसमें हाथ डाल लो। अब देखना दोनों में कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? आइस ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आइस जो है, आइस को मेल्ट करने में, आइस को जो हम हाथ में जो पकड़े हुए हैं, आइस को मेल्ट करने में 3.34 × 10⁵ जूल एनर्जी उसको चाहिए मेल्ट करने की। तो वो कहाँ से एनर्जी लेगा? वो हम लोग की बॉडी से एनर्जी लेगा। क्या लेगा? वो हम लोग की बॉडी से वो हीट लेगा। तो जैसे ही वो उतना हीट लेगा, तो हम लोग का बॉडी क्या होगा? ज्यादा कूल फील करेगा। सॉरी, और ये वाटर जो है ऑलरेडी लिक्विड के फॉर्म में है, तो इससे तो इफेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि तो अब स्टेट चेंज करेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? ये मान लो ये आइस है, आइस एक हाथ में हम लिए हुए, एक हाथ में वाटर जो है 0 डिग्री पर उसमें हाथ डाले हुए, तो आइस वाला हाथ जो है ज्यादा इफेक्टिव, ये हम लोग को खुद एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो आइस जो हम हाथ में लिए हुए है ना, ये आइस को अपना स्टेट, आइस जो है अपना स्टेट चेंज करेगा, वाटर अपना स्टेट अभी चेंज नहीं करेगा। समझ में? वाटर स्टेट चेंज नहीं करेगा, लेकिन आइस जो है अपना स्टेट चेंज करेगा। आइस जब अपना स्टेट चेंज करेगा, तो वो टेम्परेचर कहाँ से लेगा? आइस स्टेट चेंज करने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना, हीट चाहिए ना, वो कहाँ से लेगा? कितना हीट चाहिए? 3.34 × 10⁵ जूल हीट एनर्जी चाहिए उसको। वो कहाँ से लेगा? वो हम लोग की बॉडी से लेगा। तो अगर वो हम लोग की बॉडी से लेगा, तो हम लोग की बॉडी को क्या होगा? हीट ले रहे हम लोग की बॉडी से, हम लोग बॉडी को क्या होगा? कूल फील होगा। सोनिया, तो आइस ज्यादा इफेक्टिव होता है, 0 डिग्री आइस इज मोर इफेक्टिव देन 0 डिग्री वाटर, क्लियर। ये चीज याद रखना, लास्ट पॉइंट ये लिखिए, आइस एट 0 डिग्री इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। पहले समझ में आएगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको हम लोग LF बोलते हैं, और फ्यूजन मीन सॉलिड टू लिक्विड में जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या पढ़ेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और सेकंड पार्ट देखिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।